दिल्ली से खबर है सबसे पहले, जहां जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है ईसी की पीसीजी या इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और यूपी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो कहा यह जा रहा है कि क्रिसमस से पहले यानी कि 25 दिसंबर से पहले फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहा। तो कह सकते हैं कि 25 दिसंबर के बाद ही आचार संहिता लगेगी। तो जी, बाकी राज्यों में भी चुनाव होने, उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संतोष पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक आचार संहिता लागू होने के आसार नजर आ रहे हैं? संतोष, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए हम लेंगे जानकारी। फिलहाल आपको बता दें कि जनवरी के पहले सप्ताह में यानी कि जो अगला साल है 2017 है, तब इलेक्शन कमीशन यानी कि जो चुनाव आयोग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी कि तारीखों के ऐलान का मतलब है आचार संहिता का लग जाना। तो राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हैं। तो राहुल, क्या अब जो ये आचार संहिता अगले साल के शुरुआत में ही लगेगी? अभी एक महीना है नेताओं के पास, आधा महीना लगभग। देखिए, 15 दिन के आसपास का वक्त अब फिलहाल कहा जा सकता है। पिछली बार के अगर चुनाव की बात करें तो 24 दिसंबर को आचार संहिता लगी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस बार कहा जा रहा है कि 24 दिसंबर को नहीं की जाएगी, 25 के बाद छुट्टियों का बहुत ज्यादा दौर शुरू हो जाता है, क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर ईव है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 जनवरी को जो लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने वाली है, उसके ठीक बाद आचार संहिता लग जाए, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन ये तय है कि क्रिसमस से पहले यानी 25 तारीख से पहले आचार संहिता नहीं लगने वाली है। अगर लगनी होगी तो इस साल के आखिरी सप्ताह में या अगले साल के पहले सप्ताह में आचार संहिता लगेगी। बिल्कुल राहुल, क्योंकि यूपी में जो बोर्ड के एग्जाम होने थे फरवरी में, तारीखों का ऐलान किया गया था, तो उसको लेकर भी यहाँ फिर उन तारीखों को लेकर भी विवाद हुआ। और अब क्या ये माने कि जो चुनाव के महीने हैं, अभी 3-4 महीने का वक्त ही बचा है? जी, निश्चित तौर से चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि मार्च में हर हाल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अगर जनवरी के पहले सप्ताह में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसके बाद आचार संहिता लग जाती है, तो 1.5 महीने के आसपास का वक्त होता है, 1 महीने के आसपास का वक्त होता है जब सारी प्रक्रिया पूरी होंगी। क्योंकि यूपी की बात करें तो कई चरणों में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए नामांकन भरे जाएंगे, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया होगी, तो इन प्रक्रियाओं में वक्त लगता है। लेकिन ये तय है कि जो चुनाव के नतीजे आने थे उसके आसपास ही आएंगे। बस 24 दिसंबर में जो पिछली बार 5 साल पहले आचार संहिता लगी थी, वो हो सकता है इस बार जनवरी के पहले सप्ताह में लगे। चलिए, तो राहुल कह सकते हैं कि अभी लगभग आधे महीने का वक्त और बचा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पिछली बार की तरह ही हो सकता है कि 24-25 के बाद आचार संहिता लग जाए। तो अब अगले साल यानी कि 2017 की शुरुआत में आचार संहिता लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका जानकारी के।